20-25 मिनट सेशन जहां पे आप लोग जो भी लोग स्किलेज का हिस्सा होना चाहते हैं वो इन सेशन इस सेशन के थ्रू चीजें सीखिए जानिए, और अगर कोई सवाल है आपका तो आप सेशन के बाद आप सवाल पूछ सकते हो, या तो हमारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं यहाँ पे वो जवाब देंगे, या इंद्रनील सर हैं जो आपको जवाब देंगे। Am I clear in saying all these things? Can I get a yes on the chat box? मेरी बातें समझ में आई है? If I get a yes on the chat box, that would be really helpful. All of you, those who have joined. Can I get a yes on the chat box for those who have joined? मेरी बात समझ में आई जो मैंने कहा है? Everyone can please give an answer, please. All right. चार लोगों ने जवाब दिया है, वुड लाइक एन आंसर फ्रॉम एवरीवन प्लीज। मेरी बातें समझ में आई हैं सबको? सब लोग जवाब दें प्लीज। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विद द स्टूडेंट्स फर्स्ट। स्टूडेंट्स जो करंटली एनालिस्ट प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल प्रवीण, तो प्रवीण से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन हर्षित। प्रवीण एंड हर्षित अपना एक्सपीरियंस, प्रवीण यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, गो अनम्यूट एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। प्रवीण अपना एक्सपीरियंस बोलने से पहले अपने बारे में थोड़ा बताना कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, व्हाट मेड यू सिलेक्ट दिस प्रोग्राम, राइट। और बाय द वे सबको मैं बोल दूं, काफी लोगों को लगता है क्या प्रवीण को बता दिया गया सवाल क्या पूछे जाएंगे, सो आई वॉन्ट टेल यू मैं प्रवीण से डायरेक्टली भी बात कर रहा हूँ, सो जस्ट वॉन्ट बी वेरी क्लियर, राइट, दैट्स हाउ स्किलेज इज। Skillage is very transparent and that's how Skillage operates. So Praveen, अपने बारे में थोड़ा बताना, जैसे मैंने कहा, और आपने जब डिसाइड किया ये प्रोग्राम करना है तो आपके क्या फैक्टर्स थे डिसाइड करने के, और अब आपका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है। प्रवीण के बाद हर्षित इन्हीं सवालों को लेकर अपनी बात शेयर करेगा। थैंक यू प्रवीण, ओवर टू यू। प्रतीक अपना वीडियो बंद करिए, एक मिनट प्रवीण, प्रतीक अपना वीडियो बंद करिए प्लीज। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण गुप्ता, आई एम बेसिकली फ्रॉम रीवा एमपी, एंड माय पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एमए इकोनॉमिक्स एंड माय बीएससी इज माय ग्रेजुएशन डिग्री। बिफोर दिस आई वर्कड मोर देन वन ईयर इन बायजूस एज एजुकेशन काउंसलर, यू नो एवरीथिंग लाइक बायजूस में मैंने एज एजुकेशन काउंसलर आई मीन सेल्स टीम में मैंने वर्क किया। और यहाँ पर आने से पहले यदि मैं फ्रेंकली यदि मैं बात करूँ तो मैंने बहुत ज्यादा मैंने वहां पर सोचा, क्योंकि जिस तरीके से मैं वहां पर काम कर रहा था मुझे नहीं लगा कि वहां पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ज्यादा वर्क प्रेशर, बहुत सारी चीजें थी। सो दैट्स वाई एक दिन मैंने ऐड ही देखा। ऐड देखने के बाद फिर मैंने यहाँ का मतलब ट्रेनिंग अटेंड किया और मुझे 1.5 मंथ लग गए। मैं रोहित सर से करीब 2-3 बार इस टाइम पर मैंने उनसे बात किया पर्सनल भी, क्योंकि मैं पहले डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में ये वर्क करेगा मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो काफी समय से था इक्विटी में, लॉकडाउन के पहले से, जब से मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। सो एक मुझे ये यहाँ पर मिला। अब यदि हम बात करें यहाँ पर एकेडमिक्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रही है, यहाँ पर मैं तो आ गया बहुत ज्यादा करीब डेढ़ महीने तक सोचने के बाद और बहुत ज्यादा मीटिंग करने के बाद, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंकली देन फिर मैंने उसको सोचा कि ये हम जो प्रोग्राम है वो और उसमें जो भी जो कंटेंट होने वाले हैं तो उसको लेकर ले करीब 3-4 बार मेरी करीब मीटिंग हो गई थी। और अभी जिस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही हैं मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बहुत ही ये हेल्पफुल है। और करीब अभी 3 मंथ कंप्लीट होने को आए हैं, अप्रोक्स प्रोजेक्ट यदि हम बात करें ये हमारा कोर्स है, कुछ ही पार्ट अब मेरा इसमें बचा हुआ है और देन हमारा इसमें प्लेसमेंट का रहेगा। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा अभी तक मेरे लिए रहा है एक्सपीरियंस है सभी चीज़ें भी, क्योंकि लाइव लेक्चर्स थे और लाइव लेक्चर्स के अलावा जो यहाँ पर जो रिकॉर्डेड जो लेक्चर थे वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल हैं। और इसमें ऐसा ही है कि जो मैंने देखा था वहाँ पर बायजूस में जो पढ़ाने का जो तरीका है, क्या छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्मेट में
ऐसा नहीं है कि आप करीब 30 मिनट 40 मिनट का एक वीडियो है उसको आप देखते हो बाद में बोर हो जाए, नहीं, करीब 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट का एक वीडियो होता है, आप उसको कंप्लीट करो, देन फिर दूसरे टास्क, देन फिर दूसरे टास्क में जाते हैं हम। तो वो बस यही है मेरी अभी तक की। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू। आपकी आखिरी आखिरी आपका आवाज कट गया आपका, लेकिन थैंक यू प्रवीण, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इस फील्ड का क्या फ्यूचर होने वाला, फिर मैंने उससे टाइम करीब 1.5 महीने तक, मैं फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट किया था नवंबर में, फिर जाके मैंने ज्वाइन किया दिसंबर लास्ट में। तो क्या होता है प्रवीण, देखो डिसीशन ऑब्वियसली सामने वाला ही लेता है, लेकिन आप इसलिए डिसीशन ले पाए बिकॉज आपको सामने वाले ने ये नहीं कहा, जैसे मैंने जब आपसे बात की मैंने ये नहीं कहा कि यही प्रोग्राम आपके लिए अच्छा है, मैंने आपसे ये कहा कि करियर में क्या करना है उसके हिसाब से डिसाइड करो, और मैंने आपको डायरेक्शन दी। जब आपने वो सोचा तब आपको समझ में आया कि हाँ इन डायरेक्शन में घूम फिर के मुद्दा टेलिस के पास जा रहा है क्योंकि वो ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो हाँ, और यस आंसर वहीं पर एक चीज और फिर हुई हमारे बायजूस और ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर पहले तक वहाँ पर बहुत ज्यादा लेऑफ वगैरह हुआ, आई मीन ऐसा था कि सुबह 9 से रात के 9 बजे तक हम ऑफिस में हैं और उस पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरा चीज अपने पास कुछ भी स्किल है नहीं कि इनकेस निकाल ही दिए तो हम क्या ही हम कर लेंगे मतलब यहाँ से निकल के। करेक्ट करेक्ट, नहीं वेरी ट्रू प्रवीण। और मैंने जब आपसे बात भी की थी और आज भी जब मैं प्रोग्राम में आपका परफॉर्मेंस देखता हूँ, हर हफ्ते आपको पता ही है मेरे से बात होती है और परफॉर्मेंस देखा जाता है, तो मैं आपका ग्रोथ देख रहा हूँ, सो विच इज काफी एनकरेजिंग है। कीप इट अप प्रवीण, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस टॉक। लेट्स मूव टू, थैंक यू प्रवीण, लेट्स मूव टू हर्षित। हर्षित हाय, गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई लाइक योर हेयर स्टाइल, जस्ट टू लेट यू नो टू बिगिन विथ। सो आपकी आवाज नहीं आ रही हर्षित, यू नॉट ऑडिबल, यू नॉट ऑडिबल, नहीं आवाज आपकी। नहीं आ रही है, नहीं नहीं ओके हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। तो ओवर टू यू हर्षित, आपको बताइए, आपको बताइए किस तरह के फॉर्मेट में आपको बोलना है, जैसे प्रवीण ने कहा अपने बारे में, उसके बाद क्या डिसीजन, क्यों डिसीजन लिया आपने और कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का है। ओवर टू यू हर्षित, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर, एंड हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माइसेल्फ हर्षित बजाज, आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम पास्ट ईयर 2022, बट द पॉइंट व्हेन आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम I was thinking what next, because I do not want to go to the MBA, do MBA, go to some colleges, take money from my father, give and spend 15 to 20 lakhs in MBA, and also spend 2 more years in the education. Then I want to and waste my time and then take a job. So I was thinking and looking for some opportunity, some alternative. So I get to know about the edutech company, and one of the company is Skillage, which you will get to know more about it with the help of Indranil sir and Rohit sir. So coming to my experiences, and firstly when I get started, I was like, will I get some practical skill which has a demand in the market? So yes, you will get it, and you will also save your time, like in going, if you are thinking that I will do MBA or something else, so it will definitely save your time and also the money which you will ask from your guardians. So this is one of the biggest opportunity cost which you are saving. Okay, so coming to the education here, so first coming to the teachers are the ones who have a practical experience in this industry. They are CAs, CFAs, and they will help you out to clear all your doubts. They will clear the concepts every evening. You have a doubt clearing sessions, and these are really nice and very nice, which will help you in developing a
practical skill. Yeah, there will be a some theoretical concept which is necessary to know. Without knowing them, you cannot be able to understand that you can more about this field or do something in practicality. So it says it is something which will help you to acquire a practical skill which have a demand in the market, like financial modeling and financial management, financial reporting, about equities, various instruments in the financial market, and many more. So it is really nice. I will say that for me, it is like I am thinking like after getting a job, my first decision will what I will think is yes, I have just saved my time, and I have not taken that huge amount of money from my guardians, and then thinking about getting a job. So this is what how skill edge is going to help you out, and this is where. This is my experience about the educations with skill edge there with the tutors. And yes, one more thing, you will also be get prepared for the interviews with the help of Shakshi ma'am. And these courses well designed and you will enjoy it. But if you will put your effort, you will definitely get an edge in your life. So this is about my experiences, sir, and to everyone. Thank you, Harshit. Thank you. For your kind words. I would definitely like to compliment इसलिए नहीं कि हर्षित और प्रवीण यहाँ पे आए हैं पर मैं इन दोनों का कम्युनिकेशन भी देख रहा हूँ इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू जब दिया था और आज 3 से 6 हफ्ते होने के बाद मैं इन दोनों का कम्युनिकेशन भी देख रहा हूँ इसमें काफी सुधार है मैं देख रहा हूँ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पा रहे हैं हर्षित और प्रवीण दोनों पहले भी बोलते थे लेकिन उसमें गैप थे और मेरे ख्याल से दोनों इस बात को मानेंगे जो इनके साथ कम्युनिकेशन की भी क्लासेस हो रहे हैं डॉक्टर पार्थी जैन के साथ तो गुड जॉब हर्षित एंड गुड जॉब प्रवीण एंड कीप इट अप आई थिंक आप लोगों को खुद को भी लगता होगा कि कम्युनिकेशन थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ ही है और भी वक्त जाएगा तो और भी इम्प्रूव होगा दिस इज व्हाट माय टेक इज यस सर एंड थैंक यू सर थैंक यू ओके नाउ लेट्स मूव अहेड थैंक यू हर्षित यू कैन या लेट्स मूव अहेड ये तो हो गए जो करंट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं let's move ahead for those जिन्होंने corporate culture का पहला taste लिया है अभी महेश हैं हमारे साथ और आशीष हैं so महेश let's start with महेश only महेश WNS गुड़गांव में अपने corporate culture की शुरुआत कर रहे हैं या करेंगे महेश sorry sir to correct you I mean e-clubs अच्छा यू आर इन ई-क्लर्क अच्छा तो वो शिफ्ट हो गया नाम मेरे ख्याल से वो क्रिएटिव में नाम शिफ्ट हो गया ठीक है तो महेश इज इन ई-क्लर्क ई-क्लर्क इज वन ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इन पुणे एंड मेरा मानना है कि ई-क्लर्क में अगर किसी ने 2-2.5 साल अच्छे से काम किया दैट पर्सन इज डेफिनेटली एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू बिग फोर तो ये मेरा मानना है बट यस महेश फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मेरा ये भी मानना है कि किसी का भी प्लेसमेंट होता है तो वो उसी की ही मेहनत होती है देयर इज नो कंपनी मतलब जब कंपनी खड़े होकर कहती है कि हमारे स्टूडेंट ने ये क्रैक किया है वो उसका स्टूडेंट नहीं है वो खुद के स्टूडेंट की मेहनत है कंपनीज ओनली गिव द डायरेक्शन कैन ओनली गिव यू अपॉर्चुनिटी बट मेहनत सामने वाले की होती है इंटरव्यू क्रैक करने की जोश सामने वाले का होता है ऑन दैट नोट महेश ओवर टू यू मैं चाहूंगा आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो because that would be not only मतलब वो सिर्फ skills के बारे में नहीं होगा but जो लोग आए हैं सुनने के लिए वो उनको एक extra knowledge भी लेके जाएंगे कि interview क्योंकि अगर मान लो कोई skills program नहीं भी कर रहा है फिर भी उसको जानने को मिल जाएगा कि interview experience क्या होता है right आपके through तो मैं चाहूँगा आप interview experience के बारे में बताइए and then फिर आप add on करिए कि आपका experience overall कैसे रहा because I'm sure इन सब में सर्वेश सर का नाम कहीं पे नहीं आया है and सर्वेश plays a big role in doing that so you can always mention his name while you're talking over to you right. Mahesh sir go ahead sure thank you so good evening all I'm Mahesh Korde I'm from Pune I have done my MBA in finance from Sinhagad Institute Pune only and I have done a graduation in computer science so इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बोलना चाहूँ तो सर्वेश सर साक्षी मैम एंड सोनिया मैम इन तीनों ने बहुत हेल्प की है लाइक टू बी वेरी फ्रैंक कि स्किलेज मुझे पता भी नहीं था स्टार्टिंग में और स्किलेज इज लाइक मेरे लाइफ का अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट है
क्योंकि एमबीए की लास्ट एग्जाम दे के बैठा था और कुछ लाइक आइडिया नहीं था कि लाइफ में क्या करना है आगे, कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है. कैंपस प्लेसमेंट तो चालू थे लेकिन वो मार्केटिंग पे बहुत फोकस करते, कोर फाइनेंस कंपनीज बहुत कम रहती है, कम आती है कैंपस प्लेसमेंट में. ये ट्रुथ है सारे कॉलेजेस का, टू बी ऑनेस्ट. सो या देन मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया, मैंने ज्वाइन किया. पहले तो बहुत सवाल थे कि भाई ऐसे तो बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, ज्वाइन करना है नहीं करना है, बहुत सारे पैसे जाएंगे तो भी लाइक ये नहीं है. तो उसने बोला कि वेबिनार अटेंड करते हैं और देखते कि क्या होता है. फिर उसमें इंद्रनील सर ने लाइक बहुत कुछ बताया कि लाइक सारे लाइक जो भी क्लासेस वगैरह होंगे वो लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे. तो हमने सोचा कि ठीक है, एक चांस दे ही देते, वैसे भी क्या ही कर रहे हैं लाइफ में. तो फिर ज्वाइन किया, बहुत कुछ नॉलेज मिला अंकित सर से. देन साक्षी मैम ने बहुत सारी हेल्प की, लाइक यू लाइक आप मतलब ट्रस्ट भी नहीं करोगे, अगर आपने एक भी लेक्चर अगर कर लिया ना साक्षी मैम का तो आपका इंटरव्यू पर्सपेक्ट बहुत बदल जाएगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ये मैं बोल दे रहा हूँ. फिर सर्वेश सर ने बहुत हेल्प की मेरी इंटरव्यूज में. मॉक पीआई बहुत सारे सेट किए, लाइक रोज में तो लाइक सुबह दोपहर और शाम मॉक पीआई चल रहे थे, बहुत सारी हेल्प मिली उनसे. एंड या इंटरव्यू एक्सपीरियंस माई वर्ड्स बहुत सही था बिकॉज ऑफ दिस थ्री पीपल्स. और मैंने पहले ही बार में क्रैक कर लिया, ऐसे नहीं कि दूसरी बार अप्लाई करते तीसरी बार अप्लाई करते ये नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में ही मेरा हो गया. और सब लाइक बोलते हैं ना कि ये तीनों बहुत डिजर्व करते हैं, कि सर्वेश सर, साक्षी मैम एंड सोनिया मैम, इनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे प्लेसमेंट में. So yeah, I'm thankful for them. मुझे कभी मौका नहीं मिला joining के बाद में उनसे बात करने का, लेकिन हाँ ये session से अभी उनको thank you बोल रहा हूँ. And yeah, it was great experience through Skillager. I'm still joining the lectures and all. अभी भी चालू है मेरा. So yeah. क्योंकि आपको सीखने को मिल रहा है, obviously आपको सीखने को मिल रहा है. अब आप industry में गए हो तो आपको उन अब क्या देखो, दो mindset होता है जब आप किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते हो. पहला माइंडसेट बोलता है चलो सीख लेते हैं एक लेवल तक जहां पे इंटरव्यू क्रैक कर पाए. उसके बाद जो माइंडसेट होता है ना कि अब मजा आ रहा है सीखने में बिकॉज कंपनी में वो काम देखने को मिल रहा है. तो अब आपको ये लगता है अब मैं कंपनी चला गया हूं तो अब मैं बाकी लोगों से अच्छा कैसे बनूं, मैं ज्यादा परफॉर्म कैसे करूं. मेरे को आपने एकदम सही कहा, एमबीए बोलिए बीकॉम बोलिए, अगर टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज से कर रहे हो आपको पता है वो एक डिग्री है. तो अब आपको जब अगर अपने आप को प्रूव करना है कंपनी में तो आपको स्किल्स दिखाने पड़ेंगे. उसके लिए अगर आपको मजा आ रहा है क्लासरूम, मतलब अभी भी आप क्लासेस कर रहे हो, कंटेंट देख रहे हो आपको, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. महेश, आई विल ऑलवेज टेल यू दैट, मतलब मैं भी आपसे पहली बार ही बात कर रहा हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपको पता हो. मैं भी आपसे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, पर मैं आपको जरूर ये बोलना चाहूंगा, ये मेरा सजेशन होगा, अपने स्किल डेवलपमेंट को कम मत करना. क्योंकि अपने करियर में अब आपको ना, जब आपकी एक बात सुनी मैंने कि एमबीए एग्जाम देकर मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला, पर आज आपको पता है क्या करना. आप एनालिस्ट में एंटर हुए हो, मुझे लगता है अगर आप करियर ओरिएंटेड हो, जो होना भी चाहिए, अपना ड्रीम रखना कि मेरे को 3 साल में गोल्डमैन सैक्स जाना है या तो बिग फोर जाना, बस ये होनी चाहिए सोच. मेरे को या तो केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट और ईएनवाई में जाना है 3 साल बाद, या मुझे गोल्डमैन सैक्स अप्लाई करना. ये अगर आपका फोकस रहे, दिस इज लाइक वेरी मच डूएबल. ठीक है, बट थैंक यू सो मच महेश फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म इन संडे आफ्टरनून, एंड थैंक यू वंस अगेन. एक्चुअली थैंक्स टू यू, मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मिला. नहीं, बिल्कुल थैंक यू. लेट्स गो टू नेक्स्ट पर्सन. आशीष इज हियर. आशीष is in WNS, Gurgaon, am I right now? वो swap हो गया है creative में. आशीष आपके साथ भी. रोहित सर, actually I'm having some prior commitments, so I have to. You can leave. You can leave. Yeah. You can leave. Yeah. Thank you so much, and all the best for all guys. Thank you. Stay in touch. So, thank you. Hello, sir. So Ashish, thank you so much for joining in very afternoon. Great to see you. Maybe aapse pehli baar hi baat kar raha hu on this platform.
But yes, would love to know your experience, Ashish, of the interview and the related points. Please go ahead. Over to you. I'm from New Delhi. I recently got placed in WNS as a senior associate in financial analyst. Sir, मेरी जर्नी तो ऐसे ही कि मैंने एम इकोनॉमिक्स का इग्नू से मेरे को वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस से करना पड़ा क्योंकि मेरे फादर की कंडीशन ऐसी नहीं थी क्योंकि हमने को ब्रेक लेना पड़ा अपने करियर में 2020 के बाद. तो उसके बाद ये लगा कि यार अब समझ नहीं आया कि अब करना क्या है क्योंकि फाइनेंस में ऑलरेडी इंटरेस्ट था, उससे पहले काम कर रहा था मैं, ठीक है, पर अब इतने पैसे भी नहीं थे कि हाँ भाई एक बार में देखे कहीं से कोर्स कर लिया जाए कहीं से. देन मेरे को फाइनेंशियल स्किल के बारे में पता लगा कि फाइनेंशियल एनालिस्ट का प्रोग्राम चल रहा है. तो मेरे को सर ऐसा लगा, मैं आई एम वेरी मच बिकम कॉन्फिडेंट कि अच्छा है, कुछ सीखने को मिलेगा, आई विल जॉइन, वो नॉट टू वरी एनीथिंग. देन सर क्या हुआ, मैंने क्लासेस ज्वाइन करी. क्लासेस मैंने जैसे ही ज्वाइन करी, जैसे मैं अंकित सर के जैसे मैंने लेक्चर शुरू करे, उसके बाद मैं एकदम मेरा कॉन्फिडेंट ऐसे हो गया कि हाँ मैं कर लूंगा क्योंकि अब जो है अब सब समझ में आ रहा है. क्योंकि यहाँ पे सर वो था कि एक कोई PhD का ऑफिसर वो प्रोफेसर आके आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा हो, यहाँ पे था कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको कुछ समझाता है तो आपको लिटरली आपको फिर दिमाग में वो चीज बैठ रही थी कि ये चीज अब करनी कैसे है. स्पेशली सर ओमकार सर का जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो लेक्चर्स है वो मेरे लिए बड़े हेल्पफुल हुए इंटरव्यू के टाइम के अंदर. कमिंग टू इंटरव्यू सर, चार राउंड हुए मेरे इंटरव्यू के. पहला राउंड तो एनालिसिस के ऊपर था, जो स्किलेज के जो फर्स्ट जो टॉपिक्स हैं रिस्क एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, वो डिटो वही था. उसके अंदर तो मेरे को मतलब ऐसा था कि मतलब वो क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को पता था कि इसका आंसर क्या है, मेरे को ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. मेरे को इतना कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे कि ये हो जाएगा. तो थ्री राउंड हुए, उसके बाद हायरिंग मैनेजर का इंटरव्यू था. तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको बता दिया कि वो 5 मिनट में हो गया था, मैंने उनको बता दिया था. तो लेकिन जब उन्होंने मेरे फाइनेंशियल स्किल्स के लिए ऊपर इंटरव्यू लिया, तो वो मेरा जो स्ट्रेच हो गया वो 20-25 मिनट्स में स्ट्रेच हो गया, इतना लंबा मेरा चला गया. क्योंकि मेरे को वो ऑलरेडी इन्विटेशन पूछ रहे थे, जैसे डेप्टिक्यूटी रेशियोज का पूछ रहे थे कि आप इंटरप्रेट क्या करते हो इसे. तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर मेरे को इतनी अच्छी नॉलेज हो गई थी पढ़ते पढ़ते कि मैं उनको मतलब बता रहा था, डिफरेंट कंपनीज उनको बता रहा था. तो वहाँ मेरे को बहुत बहुत अच्छा एडवांटेज मिला. मैं गया था एसोसिएट लेवल के लिए, बट दे सिलेक्टेड मी फॉर सीनियर एसोसिएट. सीनियर एसोसिएट के मुझे सेलेक्ट कर लिया उन्होंने. तो वहाँ मेरे को ये मुझे बहुत अच्छी एडवांटेज मिली. अब तो घर वाले भी खुश हुए कि पापा की कंडीशन वो नहीं थी कि वो बेटर में थी इन सब से. बट अब जो लगता है कि सर अब मैं टाइम टू टाइम सर आपके भी वो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेन करते, जिसमें मेरे को थोड़ी किक मिलती रही थी जब आपने पूछा था कि क्या कहते हैं कि टाइम मैनेज शो नहीं हो पाया. तो होता है ना सर कि अपने आपसे ऑनेस्ट रहना पड़ता है कई बार. तो कोई बात, मैंने कहा ठीक है, अब सर ने बोला एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, और एफर्ट लगते हैं, क्या पता. तो सर पहले ही टाइम में मेरा पहला वो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का WNS, तो पहले ही फर्स्ट टाइम में मेरा हो गया था. तो और मॉक PI जो साक्षी मांग लिया, मेरे को बहुत सारी वीकनेस बदल दी. मैं आशीष, मैं आपको बात बताऊं, मैं आपकी बात सुन के काफी सबको पता है रोहित सर एक तो बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ऑब्जेक्टिव इंसान है, बट मैं बड़े सालों बाद मैं ऑब्वियसली, और मैंने 10 लाख बच्चे भी पढ़ाए हैं, ऐसे स्टोरीज मेरे लिए कॉमन है. जैसे कोई कहता है कि सर यू नो आपको फॉलो करके हम IIM चले गए या व्हाटएवर, बट आपने बड़े दिनों बाद ना वो फैक्टर दोबारा जगा दिया कि Everything is possible in this world if a person wants to do something. आपने वो प्रूफ कर दिया कि घर पे चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैंने पढ़ाई लिखाई पहले कैसी भी की हो, एक बार इंसान को रगड़ना पड़ता है और वो आप एक बार इंसान को रगड़ना पड़ता है, वो आपने करके दिखा दिया. और मैं मुझे खुद को पता नहीं था कि आप एसोसिएट लेवल के लिए गए थे और आप सीनियर एसोसिएट सिलेक्ट हुए हो. ये मुझे भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी पता चल रहा है. तो नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक. एंड कीप इट अप आशीष, ध्यान इस बात का रखना कि सक्सेस सर पे नहीं चढ़ना चाहिए और बस ये शुरुआत है जर्नी की. अपना ड्रीम हाई रखना. मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंस में अगर ड्रीम है तो वो गोल्डमैन सैक्स है.
फाइनेंस में अगर ड्रीम है तो वो जेपी मॉर्गन है, राइट? डेफिनेटली उस तरह का जोश रखना, दिमाग अब आपका दिमाग चलने लगा है. वो बोलते हैं ना, व्हेन जब चल रही है लक, तो भैया हथौड़ा मारो, क्योंकि जब खराब चलती है तो कुछ भी अच्छा करो तो भी अच्छा नहीं होता. अब चल पड़ी है जिंदगी, तो इस पर फोकस डालो और आगे बढ़ते रहो. काम WNS इज अ गुड कंपनी, तो कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर यू नो कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. इट्स रियली टचिंग एंड इट्स एंड डेफिनेटली जो लोग यहां पे हैं, इट्स इंस्पायरिंग फॉर मेनी मेनी पीपल. इट्स इंस्पायरिंग फॉर मेनी पीपल. थैंक यू सो मच सर No problem. Always for the students. Always for you all. Last 2-3 minutes. Thanks, Ashish. You can go on mute and switch off the video. Thank you so much for your time. So last 3-5 minutes. If anybody has any question, you can put that in the chat box. किससे आपको पूछना है उसका नाम लिखकर आप सवाल कर सकते हो. आशीष से पूछना है, प्रवीण से पूछना है, हर्षित से पूछना है. अगर आप लोगों को किससे सवाल पूछना है, चैट बॉक्स में आप उसका नाम लिख दो. ए लिख दो, क्योंकि महेश नहीं है यहाँ पे. ए या तो प्रवीण से पूछना है या तो हर्षित से पूछना है. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, यू कैन पुट दैट इन द चैट बॉक्स एंड वो लोग आपको जवाब देंगे. आई थिंक वी हैव वन क्वेश्चन. आशीष से पूछना है, ठीक है. टीचर एंड यू कैन पुट योर क्वेश्चन प्लीज. आशीष से पूछना है, यू कैन जस्ट पुट ए एंड पुट योर क्वेश्चन. टीचर एंड पुट योर क्वेश्चन. सुजय पुट योर क्वेश्चन ऑल्सो. एच बोल के क्वेश्चन डाल दो. श्रीचरण यू कैन पुट योर क्वेश्चन सो दैट आशीष कैन आंसर योर क्वेरी एंड सुजय क्वेश्चन हर्षित कैन आंसर एंड सो एंड सो फोर्थ. श्रीचरण नो प्लेसमेंट टिल नाउ फ्रॉम स्किल एज. ओके, फेयर पॉइंट. यू हैव नॉट बीन प्लेस्ड, फाइन. सो that cannot be asked to Ashish, that can be asked to me, so which is fine. You can always ask me, you can always get in touch with Sarvesh sir and see where all your CVs have been sent. Have your CVs been sent, not sent? That can be always checked. So that's not a specific question to Ashish, so that we can have a separate chat. Shubham, I have a question. I want to become credit manager in NBFC bank. Okay, Shubham, but how can that will be answered by Ashish and Arpit. Aapko credit manager banna hai, to uske liye aap agar program kar rahe ho, to you will obviously have the skills and then you go off, right? So yeah, how to crack a credit manager interview? Vineet, this is not the platform for it. Credit manager interview ko crack karne ke liye, you need to have the skills of ratio analysis and you need to have the skills of risk management and the time value of money, right? And credit manager ka interview ka matlab kya hai? Obviously, that means you already have an experience. You are going through the program. So, ye is platform ka question nahi hua, Vineet. I hope you understand what I'm saying, right? But that's an answer, Vineet. I think agar aap mujhse puchhiye to main uska jawab ye hai ki credit manager ke interview crack karne ke liye aapko ratio analysis, credit risk management aur ye sahi cheeze pata honi chahiye. Theek hai? सुजय, यस. आशीष आपके लिए सवाल है, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन WNS इंटरव्यू? WNS के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए. आशीष आपके लिए सवाल है. सर, इंटरव्यू के पर्पस से आपको कुछ नहीं, आपको जो वीडियोस जो आपको प्रोवाइडेड हैं और जो लेक्चर्स जो चल रहे हैं उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई क्वेश्चंस है, जो लाइन आइटम्स के क्वेश्चंस है, वो वही लोग पूछेंगे. बट आपको जो मेन फोकस करना है वो पहले राउंड्स पे करना है, जिसमें टेस्ट लेंगे आपसे. वो ऑलरेडी रिटर्न टेस्ट ले लेंगे फाइनेंशियल एनालिस्ट का, कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या समझते हैं. तभी तो आप जब थर्ड राउंड में जाएंगे हायरिंग मैनेजर जब आपसे इंटरव्यू लेगा, तो आपको क्लैरिफाई करवाएंगे कि हाँ, कि मुझे इंडिविजुअल लाइन आइटम का वो एनालिसिस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और जो टेस्ट जो रहेगा वो आपके पास स्टैटिक के ऊपर रहेगा, कि आप स्टैटिक कितनी नॉलेज है, कि अगर कोई आइटम है cash and cash equivalents है, तो वो कौन से स्टेटमेंट में आए, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे टेस्ट के अंदर. और एनालिसिस के अंदर वो आपसे ये पूछ लेंगे, डायरेक्ट प्रेशर्स उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या निकालते हैं, और पीयर कंपैरिजन के बारे में पूछ लेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, कॉन कॉल्स के बारे में पूछ लेंगे, ये सब पूछ. मेक सेंस.
I hope that answers the query. Thank you, Ashish. I hope Sujay, you got your answer. Rajendra has asked, I am interested in investment banking. Fine, Rajendra. Investment banking, if you are interested, you will start your journey as an investment analyst only. जहाँ पे आपकी मिनिमम सैलरी पैकेज 2.8 से लेकर 4.5 तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी एंड द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट? देन रोल्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल एनालिस्ट, विचरण, यू आर एनीवे पार्ट ऑफ स्किलेज प्रोग्राम, व्हाट आर द रोल्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल एनालिस्ट? इट इंक्लूड्स क्रेडिट एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट एंड M&A एनालिस्ट. ओके, if you have any specific questions, teacher, you can obviously get in touch with me or Sarvesh sir and see where are your resumes have been sent and what's happening with your interview pattern. Okay, all right, any other questions? So guys, if there are no other questions, or agar aap alag se bhi mere sath baat cheet karna chahte ho ya Inrail sir ke sath baat cheet karna chahte ho, you can always free to get in touch with us. But thank you once again. We should definitely thank you Ashish, Harshit, Mahesh and Praveen for spending their time on Sunday. Ashish and Mahesh, obviously chutti hai, but I'm sure they have taken out the time from their family time. And Shri Charan, you can get in touch with Indranil and we can obviously have a con call. Sarvesh ke saath aap get in touch kar sakte ho. You have the email IDs and WhatsApp, you're part of Shri Charan. So yeah, and definitely Harshit and Praveen, Saturday Sunday वैसे भी स्किलेज में काफी क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं, वहां से निकल के वो ये सेशन कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम. ग्रेट नोइंग यू, ग्रेट नोइंग योर स्टोरीज. आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, ताकि आप पढ़ते रहो, सीखते रहो एंड कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज बी इन टच. सो थैंक यू सो मच इंद्रनील, प्रतीक्षा, प्रिया मैम फॉर गेटिंग इन टच, राउत, इंद्रनील सर विल गेट इन टच विथ यू. To connect with me so that if you have any other questions, you can always get in touch with me and answer those queries. Right. Priya ma'am, thank you for setting up this call, the entire marketing team for setting up the creative and everything. So thank you so much once again. Great interacting with all of you. Stay following Skillage, start following Skillage in all the platforms. Taki ye sare sessions mein aap hissa le pao, shanivar, ravivar. Thank you. Thank you all. Thank you, Indranil. Thank you, sir. Students, feedback form chat box में share किया गया है. All of you, please fill your feedback form. Fill the feedback form which is shared into the chat box. Please fill the feedback form ताकि हमें समझ में आए कि what is your feedback. Fill the feedback form which is shared into the chat box. Thank you so much to those who have participated. It's a Sunday evening, फिर भी आप सब लोग यहाँ पे आए. It means that कहीं ना कहीं आपके मन में भी है कि career develop करना है, skill development करना है, career build करना है. Fill the feedback form so that we can develop this particular training program in a more broader way, in a more bigger way. And we can arrange this kind of session more and more. हाँ अमित, पूछ सकते हो आप. Yes, Amit, you please write down your question into the chat box. Amit, so after completing the course, how the placement happens?
okay and second question hai sir investment banking ke scope kaise hai okay so first question main batata hu ye jo training program hai ye 3 month ki training program aur uske baad the model is 3+3 what is 3+3 3 month training जहां पे सब कुछ योर टेक्निकल ट्रेनिंग मॉक इंटरव्यू सॉफ्ट स्किल प्रिपरेशन डिजिटल सीवी प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन एवरीथिंग एप्टीट्यूड प्रिपरेशन सब कुछ होगा उसके बाद के जो नेक्स्ट 3 मंथ है दैट विल बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योर प्लेसमेंट आपके पूरे बैच में 20 से 25 स्टूडेंट्स होते हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ के बाद वाले जो 3 मंथ है उसके अंदर उनका प्लेसमेंट होना कंपल्सरी है एवरी वीक टेस्ट होता है एवरी वीक असाइनमेंट्स दिया जाता है एंड आपके जो परफॉर्मेंस है उसे इवेलुएट किया जाता है कि आपके आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये सब कुछ कंटिन्यूअस 3 मंथ चलता है एट द एंड ऑफ 3 मंथ 3 महीने होने के बाद एक फाइनल टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड सीसीटी कोर्स कंप्लीशन टेस्ट एंड उसके बाद लास्ट 3 मंथ में आपके जो परफॉर्मेंस था एंड फाइनल सीसीटी का जो परफॉर्मेंस है एक फाइनल रिपोर्ट बनता है जहां पे पूरे बैच का 3 अलग अलग डिवीजन किया जाता है टॉप परफॉर्मर मिडिल परफॉर्मर बॉटम परफॉर्मर नाउ अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस जो टॉप परफॉर्मर है ऑब्वियसली वो उन्हें टॉप की कंपनीज मिलते हैं एंड जो ऑब्वियसली बॉटम है उन्हें बॉटम की कंपनीज ही मिलते हैं सो स्टूडेंट्स को पहले दिन से ही पता है कि हमें टॉप या मिडिल में रहना है अब उसके बाद ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने कहा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह सब बनाया जाता है फिर एक बार सीसीटी खत्म होने के बाद और सीसीटी आपको क्लियर करना है नहीं तो आपको फिर रिपीट सीसीटी देना पड़ेगा दैट इज कोर्स कंप्लीशन टेस्ट यहां पे क्या प्रॉब्लम है उसे फिर सॉल्यूशन उसका निकाला जाता है क्या प्रॉब्लम है उसको सुधारा जाता है सीसीटी खत्म होने के बाद योर प्रोफाइल आपके प्रोफाइल फ्लोट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जहां पे हमारे कोलैबोरेशन है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव अवर ओन एचआर टीम एंड अकॉर्डिंगली आपके जो प्लेसमेंट ड्राइव है वो शेड्यूल होता है डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन अगर आप नॉर्थ में हो तो ऑब्वियसली दिल्ली नोएडा गुड़गांव चंडीगढ़ इसी लोकेशन पे होगा महाराष्ट्र में हो तो मुंबई पुणे अगर ईस्टर्न साइड में हो तो कोलकाता गुजरात साइड में हो दैट इज अहमदाबाद सूरत साउथ में हो तो ऑब्वियसली बेंगलोर पुणे हैदराबाद चेन्नई एंड सेंट्रल इंडिया में नागपुर एंड इंदौर में भी कुछ ऑप्शंस हैं तो अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन आपके प्लेसमेंट ड्राइव शेड्यूल होता है आपको बोला जाता है कि आज से 10 दिन बाद आपके इंटरव्यू है आपको जेडी शेयर किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन अब जो 10 दिन टाइम है आपको पता है कि 10 दिन टाइम है उस 10 डेज के अंदर कस्टमाइज्ड प्लेसमेंट प्रिपरेशन किया जाता है आपके साथ इवन आप हो सकते हो आपके साथ और 2-3 लोग हो सकते हैं व्हाट इज कस्टमाइज्ड प्लेसमेंट प्रिपरेशन हमें पता है कि आप कौन से कंपनी में जाने वाले हो आपके इंटरव्यू कहां पे है होप कि आपके डॉयशे बैंक पे इंटरव्यू सो डॉयशे बैंक पे किस तरह का क्वेश्चंस होते हैं किस तरह से वहां पे इंटरव्यू होता है उस वो 10 डेज में वो 10 दिन में उसकी प्रिपरेशन किया जाए करवाया जाएगा दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड प्लेसमेंट प्रिपरेशन किस तरह से आंसर होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए इवन आपके ड्रेसिंग सेंस पे भी उस वक्त काम किया जाता है कि क्या पहन के जाओ फाइनली आपके इंटरव्यू डे जिस दिन रहेगा आप जाओगे इंटरव्यू दोगे एंड इतने सारे चीजें करने के बाद हमने देखा है कि 1 or 2 इंटरव्यू मैक्सिमम उससे ज्यादा जरूरत नहीं होता स्टूडेंट्स क्रैक कर लेते हैं So, ये है एंटायर प्रोसेस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को स्कोप कैसा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को बहुत ज्यादा स्कोप है और एक बात मैं आपको कहता हूं स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पोजीशन पे जाना टफ होता है या तो आपके स्किल्स जो है वो टॉप लेवल का होना चाहिए टॉप नॉच क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकर टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क ये कोई बच्चों की खेल नहीं है कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद लोग वहां पे पहुंचते हैं स्टार्टिंग में भी आपका हो सकता है ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता स्टार्टिंग में भी एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंकर ज्वाइन कर सकते हो जूनियर लेवल पे रहोगे बट आपके स्किल्स टॉप लेवल पे होना चाहिए स्किल्स आई एम नॉट सेइंग दैट आपके पास कितने डिग्री है बी कॉम एम कॉम एम बी ए इवन पी एच डी कोई मतलब नहीं है इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स है बैलेंस शीट को देख के ये प्रेडिक्ट कर पाओगे करेक्ट परफेक्ट प्रेडिक्शन अगले 5 साल में क्या होने वाला करंट मार्केट को देख के दैट इज
आप शेयर बोल शेयर मार्केट बोल सकते हो, इक्विटी बोल सकते हो, उसे देख के आपको ये प्रेडिक्ट करना है, आपके क्लाइंट को ये एडवाइस देना है, यस यू प्लीज इन्वेस्ट 10 करोड़ ऑन दिस पर्टिकुलर शेयर और ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सोचो इस लेवल की सोच होना चाहिए। वो हमेशा वो टॉप पे जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, चलो इन्वेस्ट कर दो, वो दैट इज नॉट अ एग्जाम्पल। वो तो कोई भी करता है, जीरोधा पे अकाउंट खोलते देखते ये ऊपर जा रहा है इसमें कर दो, वो ये चीज नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलग चीज है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये इसकी बेसिक शुरुआत वहीं से होता है एज एन एनालिस्ट इन फाइनेंस डोमेन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बैंकिंग सेक्टर दो पार्ट में डिवाइड है। बैंकिंग सेक्टर एक रिटेल बैंकिंग, जहां पे हमारे आपके अकाउंट्स होते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, और उनका एक दूसरा पार्ट वो है जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बैंक्स अपने पूरी अमाउंट जो पैसे होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं बिग क्लाइंट्स पे, HNI हाई नेट इनकम जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें वो देते हैं एज अ फंड करते हैं, लोन देते हैं, और वहां से वो पैसा कमाते हैं। सो बैंक के पास भी ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर होना चाहिए, एनालिस्ट होना चाहिए, जो उन्हें सजेस्ट करे कि हाँ यहाँ पे पैसा डालो तो आपको रिटर्न आएगा, वही रिटर्न अमाउंट आप पब्लिक में सर्कुलेट कर पाओगे। ऑब्वियसली बैंक का भी फायदा होता है। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल टास्क, इसमें बहुत स्कोप है और बहुत गिने चुने लोग ही पहुंचते हैं वहां पे। अगर ड्रीम होगा तो डेफिनेटली आप पहुंच पाओगे कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैच्स, दुनिया के नंबर वन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, और भी है। ठीक है, सैलरी स्टार्टिंग के करियर में कभी भी स्टार्टिंग जब शुरुआत कर रहे हो ना, कभी ये मत समझना कि मेरे पास मास्टर डिग्री है, मेरे पास ये है वो है फलाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे MBA, बेसिक ग्रेजुएशन इज एनफ। नेक्स्ट योर स्किल, डेवलप योर स्किल्स विच इज इन डिमांड राइट नाउ। जो आज डिमांड पे है वो स्किल रहेगा तो कोई नहीं देखने वाला आपकी ग्रेजुएशन किसमें हुआ है या कितना परसेंटेज था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू आपको तगड़ा देना है, ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि आई एम नॉट फ्रॉम IIT और IIM, मैं IIT IIM से नहीं हूं, बट आई हैव अ स्किल, मेरे पास स्किल है, आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, आई विल गिव यू आंसर। इस तरह का कॉन्फिडेंट होगा तो डेफिनेटली आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। सो इंटरव्यू ट्रेनिंग हैपेंस ड्यूरिंग द कोर्स, यस, हर मॉड्यूल के खत्म, ड्यूरिंग दिस 3 मंथ एवरी मॉड्यूल खत्म होने के बाद मॉक इंटरव्यूज होते हैं, हर एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद, और इंडस्ट्री मेंटर इसी लेते हैं वो मॉक इंटरव्यू। केडकर प्राइवेट क्लास कॉमर्स 7 years एक्सपीरियंस बट ड्रीम ब्रॉन में, यस ऑब्वियसली आपके ड्रीम, मैं चाहूंगा सबको सबका वो ड्रीम होना चाहिए, बट वो ड्रीम क्या है, ये बोलते ना सागर है ये, तो आप अगर सागर के ओशन, इट्स अ ओशन, ओशन के इस तरफ खड़े हो आप आज, अगर आप चाहते हो कि मैं एक छलान पे दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा और सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाऊंगा, तो वो सपना सपना ही रह जाएगा जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा। प्राइवेट क्लास कॉमर्स में 7 साल क्या 70 साल भी निकाल लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास प्रॉपर स्किल नहीं होगा। आप इस बात को आप धीरे धीरे समझ जाओगे जैसे वक्त आगे जाए। You have to start from somewhere. आपको शुरुआत करना है, आपको आपकी स्किल डेवलप करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल, नॉट बुकी स्किल, अकाउंट्स, सब इस सब में आपको बहुत नॉलेज होगा, बट उस नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है इंडस्ट्री लेवल पे, वो सीखने के लिए आपको मेंटर की जरूरत है जो हर दिन ये काम कर रहा है, पिछले 10-12 साल से कर रहा है। शैलेंद्र सर जो है वो 25 साल से ये काम कर रहा है, उनसे वो सीखना जरूरी। इट्स अ मैटर ऑफ 3 मंथ। सीख लोगे तो ऑब्वियसली आपके जो 7 साल के एक्सपीरियंस है राजेंद्र के मैं बता रहा हूं, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। यू नीड अ मेंटर जो आपको गाइड कर। आपको इंडस्ट्री के पैटर्न नहीं पता, आपने कभी इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया, प्राइवेट क्लास में आपको क्या पता इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या पॉलिटिक्स होता है, क्या अप डाउन होते हैं, क्या होता है फाइट, दैट इज कॉर्पोरेट फाइट कंपनी टू कंपनी, फाइनेंस में तो बहुत ज्यादा होता है, आपको सीखना है वो सारी चीजें। हाउ मेनी राउंड्स हैपन ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये तो नॉर्मली कंपनी टू कंपनी वेरी करता है अमित। ऐसा भी हो सकता है कुछ कंपनीज में आपके ड्यूरी एप्टी से शुरू होगा, एप्टी, GD, HR, टेक्निकल सब कुछ होंगे,
इट्स टोटली डिपेंड कंपनी टू कंपनी और वो सारे चीजें सिखाया जाए. क्लियर सर? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बेसिक पार्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट है. ये सारी चीजें ना जितना भी है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर पकड़ लो, इन्वेस्टमेंट बैंक का एक्स वाई जेड, अगर अल्फाबेटिकली समझो एक्स वाई जेड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लेकिन अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं सीखोगे तो एक्स वाई जेड पे कैसे पहुंचोगे? अगर आपको यही नहीं पता कि 1+1=2 होता है तो आप 10+1=11 कहां से सीखोगे? तो शुरुआत होता है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट से. इवन हमारे इस कोर्स में ये पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है यहाँ पे 6 जॉब टाइटल की तैयारी करवाया जाता है. फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट. इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट पोजिशन पे भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, बट उनको पहले से इस सेक्टर का एक्सपीरियंस था. वो एज अ फाइनेंस एनालिस्ट उन्होंने काम किया है 2-3 साल, उसके बाद उनको ब्रशअप की जरूरत था तो उनका हो गया. एकदम से फ्रेशर है कोई, एकदम टोटली फ्रेशर है वो भी जा सकता है, बट उसको कड़ी मेहनत करना. इंटरव्यू में इंटरव्यू होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लेवल पे भी, फ्रेशर लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, आपको मौका मिलेगा. बट उसके लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग एबिलिटी एकदम फारू होना चाहिए, बिकॉज आपको कन्विंस करना है आपके क्लाइंट को कि इन्वेस्ट करो दैट टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स. और आपकी एक गलती उस कंपनी को नीचे भी लेके जा सकता है, ऊपर भी लेके जा सकता है, और सीधा ऊपर भी लेके जा सकता है. So just इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी पार्ट पढ़ाया जाता है कि? Yes. 6 जॉब टाइटल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है, पढ़ाया जाता है सब कुछ. मैंने जैसे मेरा सिंपल एग्जाम्पल याद रखना कि अगर 1+1=2 नहीं पता चलेगा तो 10+1=11 कहां से करो? एकदम से तो पता नहीं चलेगा, तो शुरुआत 1+1 से करना एज अ फाइनेंशियल. सर फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग इस प्रोग्राम में ये एक पार्ट है जहां पे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको. एज एन एग्जांपल, जैसे जोमैटो कंपनीज का आपने नाम सुने होंगे. जोमैटो का तो कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके वो अपने बिजनेस मॉडल खड़ा किया है. ओके, तो समझो चीजों को. अब ये जो जोमैटो जब स्टॉक में जब अपना नेम एनरोल जब उसे करना था स्टॉक, मतलब पब्लिक से भी उसे पैसा उठाना है बाई स्टॉक्स आईपीओज एंड ऑल, बट ऐसे ही कोई एनएससी या बीएससी में अपने नाम एनरोल नहीं कर सकता, राइट? उसके लिए सेबी की परमिशन की जरूरत है, एंड सेबी के परमिशन के लिए आपको आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइनेंशियल मॉडल सबमिट करना पड़ता है. एग्जैक्ट द स्ट्रक्चर कि राइट नाउ आई नीड सो एंड सो मनी, दिस इज माय प्रोजेक्ट, दिस इज माय फाइनेंस, दिस इज माय एंटायर मॉडल ऑफ माय पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड विद इन 10 ईयर या विद इन 5 ईयर मैं इतना प्रॉफिट मार्जिन गेन करूंगा. और ये फुल प्रूफ होना चाहिए, ऐसा मत समझो. हर एक के पास, गवर्नमेंट के पास भी उस लेवल के एनालिस्ट है, और ऑब्वियसली जोमैटो के पास भी उस लेवल के एनालिस्ट है. तो दोनों का जब सेम मैच होता है, यस, नाउ ही इज ए पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट जो दिया गया है, जो ब्लूप्रिंट दिया गया है, इट्स फुल प्रूफ, नाउ वी कैन अप्रूव देम. वो अपने नेम स्टॉक में एनलिस्ट कर सकता है, फिर पब्लिक से पैसा मतलब पब्लिक अपने पैसा वहां पे लगाते हैं. जो आप देखते हो ना स्टॉक में, आप स्टॉक खरीदते हो 50-60 आपने खरीद लिया है 70-80 रुपए में, गवर्नमेंट से भी पैसा मिलते हैं, पब्लिक से भी मिलते हैं, ये आगे चलता रहता है. सर स्टॉक मार्केट जा भी स्किल इंक्रीज, स्टॉक मार्केट जा भी स्किल इंक्रीज होता है कैसा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से? मुझे समझ में नहीं आया अंकित कर क्या बोल रहे हो. स्टॉक मार्केट का भी स्किल इंक्रीज होता है क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? यस, ये सब कुछ मिला जुला है, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. समझ में आया मुझे अभी, स्टॉक मार्केट का भी स्किल इंक्रीज होता है क्या? कोई भी चीज अलग नहीं है. 80% पोर्शन जो है ना, ये सारे जॉब टाइप टाइटल का 80% पोर्शन सेम है, 20% वेरी होता है, बेसिक सबका सेम. वो एग्जांपल याद रखना, एबीसीडी नहीं सीखोगे तो एक्स वाई जेड नहीं सीख सकते. हाँ शुभम प्लीज. स्टॉक हाँ वो इंक्लूड है यहाँ पे, स्टॉक दैट इज डेरिवेटिव एंड ऑल, ये सब कुछ यहाँ पे है इस प्रोग्राम में है.
Yes, yes, it's including. But separate कुछ नहीं, सभी सीखना जरूरी है. डिलीवरी में से आपकी आवाज कट रहा है. Separate. आपकी आवाज कट रहा है. आपकी आवाज कट रहा है, मुझे सुना नहीं दे रहा. इन्वेस्टमेंट में रहता है सर. क्या बोल रहे हो? ओके शुभम, एक काम करो, मैं मेरी नंबर देता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में से. I'm giving. I have given my number into the chat box. आप मुझे फोन करो, मैं टेलीफोनिकली आपसे बात करूंगा. ठीक है, आवाज बहुत कट रहा है. सो थैंक यू, आप मुझे फोन कर लेना, मैंने नंबर दिया है. फिर मैं पूछ लूंगा, आप ऑब्वियसली आपके एडवाइजर कौन है वगैरह वो सब भी मैं पूछ लूंगा. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फील द फीडबैक फॉर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाय बाय. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #SkillSeCareerTak, हम आपके साथ हैं.